जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको कई तरह के नियमों का पालन करने होते हैं। ऐसे ही टीटीए के साथ भी होता है और उन्हें भी टिकट चेक करते वक्त कई नियमों का पालन करना होता है। टीटीए भी बिना किसी कारण के यात्रियों से बार बार पूछताछ नहीं कर सकते। कई बार यात्रियों की शिकायत होती है कि जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो टीटीए के बार बार टिकट चेक करने की वजह से वो सो नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि टीटीए किस तरह से टिकट चेक कर सकते हैं। अगर आप रात की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको विशेष अधिकार मिलते हैं और टीटीए को रात में टिकट चेक करते वक्त कुछ नियमों का भी पालन करना होता है। इन नियमों की वजह से टीटीए आपको रात में परेशान नहीं कर सकेंगे। ऐसे में आज हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनकी जानकारी होने के बाद आप टीटीए को बार बार परेशान करने से मना कर सकते हैं। तो जानते हैं वो क्या नियम है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यात्रियों की शिकायत रहती है कि उन्हें टीटीई रात में कई बार जगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं टीटीई रात में 10 बजे बाद आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। वो रात 10 बजे बाद टिकट चेक करने या फिर आईडी दिखाने के लिए जगा नहीं सकते। ऐसे में टीटीई को ये काम रात 10 बजे से पहले ही करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन रात 8 बजे की है तो टीटीई रात 10 बजे तक आपकी टिकट चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ विशेष और ज़रूरी कारण होने पर वो यात्री को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ट्रेन की यात्रा 10 बजे बाद ही शुरू की है तो ये नियम इस केस में लागू नहीं होगा। यानी टीटीई रात 10 बजे बाद उन यात्रियों की टिकट देख सकते हैं जो 10 बजे बाद ही ट्रेन में बैठे हैं। रात में ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को टीटीई से रात में भी टिकट और आईडी दिखानी होगी। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। रात 10 बजे से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खुलने से रुकना चाहे तो रुका जा सकता है। वही सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सके। कई जोन की ट्रेन में रात 11 बजे ट्रेन में बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। यानी अगर रात का सफ़र है तो आपको 11 बजे से पहले ही मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्ज करना होगा। अब कई ट्रेन में रात में चार्जिंग की सुविधा नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।